नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद शहर के मोहल्ले वालों ने पुलिस को नशा होने की सूचना दी, जिसके बाद छापा मारा गया और पुलिस ने नशा सप्लाई करने वाली फैमिली को गिरफ्तार किया। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद शहर के डीसी कॉलोनी एरिया में आज मोहल्ला वासियों ने सूचना दी, पुलिस ने रेड करके एक घर से महिला तथा उसके बेटे बेटी और एक सप्लायर को नशा चिट्टा सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए सिटी थाना SHO सुरेंद्र कंबोज ने बताया कि राजवेंद्र कौर नाम की एक महिला के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि वह घर में नशा सप्लाई करने तथा कारोबार करती है। इस पर पुलिस ने मौके पर पहुँच कर छापेमारी करते हुए नशा सप्लायर को भी गिरफ्तार कर लिया और बाहर से नशा ला करके महिला को देता था। चारों आरोपियों से नशे के अलग अलग मात्रा बरामद हुई, जिसमें आरोपी मां राजविंदर कौर से 8 ग्राम, आरोपी राजविंदर कौर की बेटी हरप्रीत कौर उर्फ सोनू से 20 ग्राम, बेटे राजन से 7 ग्राम और मुख्य सप्लायर चिराग से 40 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। महिला राजविंदर कौर अपने बेटे बेटी और इनके जरिए नशा बांटने का काम भी करती थी। सिटी थाना SHO ने बताया कि सभी अभी तक जांच में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं पाया गया। पहली बार नशे के मामले में ये लोग पकड़े गए हैं। फिलहाल चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और कल सुबह कोर्ट में पेश कर आगामी कार्रवाई की जाएगी। चारों आरोपियों के कब्जे से कुल 75 ग्राम नशा बरामद हुआ है। पुलिस इस समय इस मामले की पूरी तरह से पड़ताल कर रही है। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। बात यह थी कि सुबह सुबह यहाँ आए हैं, मतलब मोटरसा लेके और शरेआम चिट्टा इनके हाथ में पकड़ा और ये पड़ोसी था, इसने जो अंदर जो गाड़ी पे बैठा रखा है, इसके हाथ में मतलब इसने दिया उनको, दो लड़कों को, और ये लड़का कह रहे हैं अभी खान मोहम्मद का है और शरेआम मैंने देखा है, दो पुटली थी, इतनी इतनी दो पुटली थी, बात जी की गाली निकाल के गए और धमकी दे के गए हैं, ये आपको देखेंगे। साथ थे, बिजली बोर्ड में लगे हुए हैं, रिटायर है, ये मेरे साथ थे। ये मामला है जी विकट रोड के डीसी कॉलोनी विकट रोड, तो यहाँ पुलिस इंफॉर्मेशन मिली थी कि यह चिट्टे का काम होता है हीरोइन का, तो उस पर टीम मौके पहुँच गई है। मौके पहुँचे जब ये चार जने, दो लेडी और दो मेल हैं, वो भागने की कोशिश करे, जिन्हें पुलिस ने उनको रोका, रोक के पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनके पास NDPS मिला, जो अलग अलग मिला है, दो लेडी हैं उनके पास, राजविंदर कौर है उसके पास 8 ग्राम मिला है और इसके अलावा राजन के पास 7 ग्राम, हरप्रीत उर्फ सोनू उसके पास 20 ग्राम और जो मेन इसमें है चिराग उसके पास 40 ग्राम बरामद हुआ है। तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगामी अनुसंधान जारी है। टोटल कितनी मात्रा चल जाएगी? ये 75 ग्राम है टोटल। इसमें मेन चिराग है, वो बाहर से लेके आता था, आगे फिर मिलकर ही बेचा करते थे। तो पहले भी कोई मामला देना चाहिए ना इनके खिलाफ? पहले NDPS से कोई अभियोग अंकित नहीं है। तो ये सर कितने टाइम से पूछताछ में था, कितने टाइम से कर रहे हैं? ये भी पूछताछ चल रही है जी, समय लगेगा थोड़ा, पूछताछ में काफी टाइम लग रहा है इसमें। तो लेडीज जो है मेन एक्यूज जो बता रहे हैं आप, कितने इसकी है? तीन तो मैं जसविंदर कौर है, इसकी ये माता है, इसकी लड़की है राजन है, लड़का हरप्रीत है, तो ये लगभग 50 के आसपास है इसकी उम्र, 50-52 साल है जी।